हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग दो दिन के लिए एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं हिमाचल, और शुरू कर रहे हैं अपने ट्रिप को। और हम कार कैंपिंग करेंगे वहाँ पे। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट, इसी में हम लोग स्टे करेंगे। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत ट्रिप की, देखते हैं कैसा ट्रिप रहता है। थैंक यू। अब हम पंचकूला की तरफ बढ़ चुके हैं। पंचकूला आ गया है। ये पंचकूला क्रॉस करते हुए बहुत ही शानदार व्यू है। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ ऑन रोड, बहुत बड़ी रोड, बहुत सुंदर नज़ारा। इसी के साथ अब हमारी हिमाचल में एंट्री होने वाली है, और एंट्री टिकट लगेगी यहाँ पे। अपनी टर्न का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारी टर्न आने वाली है। हम लोग हिमाचल में एंटर कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल। हमारी चाय बन रही है। चाय को उबाल आते हुए थोड़ी देर बाद इसमें दूध डालेंगे हम लोग। चाय में दूध डाल दिया है, हमारी चाय तैयार हो चुकी है, और हम चाय की चुस्की। और इसी के साथ हम लोग नाहन प्रवेश करने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे नाहन है, और राइट साइड पे पौंटा साहिब और देहरादून है। हमने जाना है रेणुका जी, और हम लोग लेफ्ट साइड प्रस्थान कर चुके हैं। नाहन में एंट्री करते ही ये दिल्ली गेट आ गया है। दिल्ली गेट को हम लोग क्रॉस करके फिर हम लोग रेणुका जी वाली साइड पे निकलेंगे, दिल्ली गेट का नज़ारा। और राइट साइड पे मेरे दशहरा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, यहाँ सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और हम आगे निकल रहे हैं इसी के साथ। ये सीधी रोड जा रही है शिमला, और रेणुका जी दाहू और हरिपुर धार राइट साइड पे है। हम लोग राइट साइड पे मुड़ रहे हैं, और ये सड़क थोड़ी सी छोटी हो जाती है, रास्ता बड़ा संकुरा है। और हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं ये दोस्तों। ये देखिए कितना शानदार व्यू है। हम लोग रेणुका जी से थोड़ा सा ही पीछे हैं, और ये नदी जा रही है। चारों तरफ एक वैली नुमा आकार है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इसी के साथ हम लोग एक पुल क्रॉस कर रहे हैं। पुल के साथ ही प्राचीन शिव मंदिर है। और दोस्तों, खूबसूरती की बात यह है कि प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर एक झरना बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत झरना, और ये पहाड़ों की चोटियों से आ रहा है, और ये मंदिर की परिक्रमा को और भी सुंदर बना रहा है। नीचे वादियों की तरफ से झरना बहता हुआ, शिव जी का मंदिर, सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आँखें देखते ही समा बनता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। Thank you.
इसी के साथ हम लोग रेणुका जी ददाहू में प्रवेश कर चुके हैं, और ये ददाहू का मेन बाज़ार का रास्ता है। मेन बाज़ार एक तरफ, दूसरी तरफ एक नदी बह रही है, और इसी के बीचों बीच रोड के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ये रेणुका जी शहर, ददाहू जिसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाउन है हिमाचल का, और ये देवभूमि का एक प्रमुख शहर है, क्योंकि यहाँ पे रेणुका जी का मंदिर भी है एक, और ये मार्केट बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। ये हम लोग रेणुका जी को क्रॉस करके, ददाहू की मार्केट को क्रॉस करके, रेणुका जी टेम्पल की तरफ बढ़ते हुए, सामने रेणुका जी टेम्पल है, और ये लेफ़्ट साइड पे हरिपुर धार की ओर रास्ता जा रहा है, जहाँ हमने जाना है आज। और हम लोग हरिपुर धार की तरफ बढ़ रहे हैं। हरिपुर धार बहुत ही एक सुंदर टाउन है, माता का भव्य मंदिर है वहाँ पे, और हम लोग मुड़ चुके हैं। सड़क बहुत ही छोटी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत अद्भुत नज़ारा है। रेणुका जी के डैम की साइट है, ये डैम का काम है, पर आजकल काम बंद है। और सड़क बहुत ही खूबसूरत, एक साइड पे वादियाँ, साथ में नदी, और ये डैम प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा नज़ारा है। इसी के साथ हम लोग बहुत लेट हो गए थे, सस्ता रास्ता बड़ा लंबा था, और हमें यहाँ पे कार कैंपिंग की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे दो तीन बाघ घूम रहे थे, और हमने लोकल लोगों से बात करी तो यहाँ पे हमें किसी ने सुजेस्ट किया कि यहाँ पे एक आप होम स्टे ले सकते हो। कार कैंपिंग बहुत रिस्की है, मेरे साथ मेरा बेटा भी था, इसलिए हम लोग कार कैंपिंग छोड़ के एक होम स्टे वहाँ पर पहुँच गए हैं, और होम स्टे में मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, विंटर शैक होम स्टे संगड़ा, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इसके ऑनर ने। और हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, अब गाड़ी को पार्क कर दिया है हमने यहाँ पे, और अपना सामान निकाल के हम लोग नीचे की तरफ जाके अपना रूम लेंगे। टू रूम सेट है, वहाँ पे किचन भी सेपरेट है, वहीं हम लोग अपना आज का खाना बनाएंगे, जो हमने कार कैंपिंग में करना था वही हम लोग इस रूम में करेंगे, और अपना खाना खुद बनाएंगे, और देखते हैं फिर क्या बनता है आगे। रूम की तरफ जाते हुए कुछ यहाँ पे अंधेरा सा है, थोड़ा सा आगे जाके हमें लाइट का प्रबंध करना पड़ेगा। ये हम लोग रूम की तरफ एंटर करते हुए, ये हम दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं अपने रूम का। ये हमारा फर्स्ट रूम है, जहाँ पे दो गद्दे लगे हैं, और यहाँ पे डाइनिंग भी है। आगे जाके ये एक वॉशरूम है, उसके साथ ही किचन, ये किचन है जिसका सेटअप हमने किया है, अपना सामान रखा है यहाँ पे अपना सारे का सारा। ये हमारा दूसरा रूम है, जिसमें हमारा लगेज आ चुका है, और ये बेडरूम है, और आज हमारे पास टू रूम सेट है, देखते हैं कैसी रात निकलती है। और अब हम लोग अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने पुलाव बना सकें। वेजिटेबल्स को काटते हुए
अच्छे से पुलाव बनाएंगे। हमारे पास सारा सामान है आज। हमारी वेजिटेबल्स चॉप कर रही है, ये अब हम आलू काट रहे हैं पुलाव में डालने के लिए करते हुए। बीन्स को चॉप करते हुए, जो बीन्स हैं वो इकट्ठी रख के हम लोग चॉप कर रहे हैं उनको। और ये हम लोग बटर डाल रहे हैं इसमें, अमूल बटर में हम लोग डालेंगे। इसके बाद मैजिक मसाला जाएगा इसमें, इससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें, के साथ स्वाद अनुसार नमक मिर्च मसाला सारा कुछ जाएगा इसमें, और इसमें सारी वेजीज जाती हुई। बटर ऐड होते हुए तड़का लगते हुए, और थोड़ा सा तड़का लग रहा है, घर की याद आ रही है जहां हम बोलते रहते हैं कि हमें ये बना दो वो बना दो। खुद बनाते हैं तो पता लगता है कि कितनी मेहनत लगती है घर के काम पे। सब इसमें अब तड़का लग गया है सब्जियों को, और इसमें अब चावल डाल के दो सीटी बजाते हैं तो हमारे शानदार पुलाव तैयार हो जाएंगे। खाते हैं इसको। इसमें चावल जाते हुए हम लोग चावल डाल रहे हैं, हमारे शानदार पुलाव जा चुके हैं, सारी वेजिटेबल्स जा चुकी हैं, और इसको अब हम बंद करके दो सीटियां लगवाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें। चलो करते हैं दोस्तों इसको बंद। ये फ्रेंड्स, ये हमारे पुलाव बन गए हैं, तो अब इसको डाल के हम लोग सर्व करते हैं। एक्चुअली इनको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, वेजीज सारी ऊपर आ गई हैं, और ओ माय गॉड कितने प्यारे बने हैं ये। मैं डाल के सर्व करता हूँ। ओ माय गॉड, ओ ये चावल जल चुके हैं, इसमें मक्खन डाल के खा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग फिर सोने लगे हैं, और इस रूम से हम लोग अपने बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। फिर हम लोग कल सुबह मिलते हैं।